ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के नजदीक जहर खुरानी ग्रुप द्वारा दो बुजुर्ग महिलाओं को बेहोश कर लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन महिलाओं से लूट की गई। बेहोशी की अवस्था में स्थानीय लोगों ने दोनों महिलाओं को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया है। दिखाई दे रही बुजुर्ग महिलाएं अभी होश में नहीं हैं। डॉक्टर मान सिंह की माने तो इन महिलाओं को किस तरीके का नशा है यह तो बाद में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि उनका कहना है कि कई बार ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिसमें नींद की गोलियां ज़्यादा खिलाने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद दोनों महिलाओं को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कहीं यह जहर खुरानी लूट ग्रोह के सदस्यों का कारनामा तो नहीं है। महिलाओं के होश में आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। कंफर्म तो जांचों के बाद पता लगेगा, लेकिन कुछ खाया है इनको, किसी ने खिलाया है या कुछ सुनाया है। बाकी दो महिला बेहोश मिली थी, उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट वगैरह देके उनको रियल कर दिया है। MLC उनकी तैयार कर दी है। कुछ सर नाम पता मालूम पड़ा हो, कहाँ से आए थे? नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दोनों उधर बैठी हुई थी पीछे की साइड में, उधर छतरी के बैक साइड में। बी के रेफर कर दिया गया उनको। क्या लगता है क्या खिलाया वो, मतलब ऐसी कौन सी दवाई उनके साथ यूज की होगी उनको? कुछ चीज़ में मिला के नींद की गोलियां, कुछ लोग कुछ अपना कोई सामान वगैरह चोरी के मकसद से कई बार ये नींद की गोलियां खिला देते हैं जिसकी ओवरडोज होती है उसको।